हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छी होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स की परीक्षा में आने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर बार रिपीट होते हैं। और सामने ही आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के आगे भी लिखा है कि ये क्वेश्चन कौन से वर्ष में आया था, 2005 और 2016 की नवोदय विद्यालय की परीक्षा में क्लास सिक्स की। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और ये हर बार आते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बुक में से निकाल के आपको बताए हैं कि कौन से बुक क्वेश्चन जो हैं वो हर बार रिपीट होते हैं। तो इस चैनल पर आपको रोज डेली एक महीने तक जो है, एक महीने बाद नवोदय का एग्जाम है क्लास सिक्स का, तो एक महीने तक आपको इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अभी आपको इस वीडियो में दो क्वेश्चन डिस्कस, आज हम बात करने वाले हैं जवान नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक की खास बात मैं आपको बता दूं कि इस बुक में 9 सॉल पेपर यानी कि सन 2014 से लेकर सन 2021 तक जितने भी जवान नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स के पेपर हुए हैं उन सभी का हल प्रश्न पत्र आपको इस किताब में मिल जाएगा। न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित सिलेबस आपको इस किताब में मिल जाएगा और 6 प्रैक्टिस सेट फ्री में आपको दे दिए जाएंगे। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे रखी है, आप वहां से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिन्हें सॉल्व करके आप अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही है कि आप इस बुक को जल्दी से जल्दी खरीदें और दोनों की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट की और गाइड की। तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट के जरिए आप इन्हें खरीद सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जल्दी से जल्दी इन्हें ऑर्डर करें और अपनी तैयारी मजबूत करें। डिस्कस कराने वाले हैं जो कि हर बार रिपीट होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो, 7/9 वर्ग / 7/9 × 7/9 को हल करें। ठीक है, ये क्वेश्चन 2005 और 2016 में रिपीट हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आपको करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें समीकरण होता है उसमें ये वाला रूल हमें याद कर लेना है, बॉड मास BODMAS। बी का मतलब ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने इसमें करा है। देख सकते हो ब्रैकेट को सॉल्व करके हमने 7 का वर्ग लिख दिया, 7 × 7 9 × 9 लिख दिया। ऑफ का मतलब ब्रैकेट के साइड में जो है इसको रहने दीजिए। डी डिवाइड मतलब भाग, इसके बाद हम भाग करेंगे, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करनी है, फिर हमें एडिशन यानी प्लस करना है, फिर हमें सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये समीकरण हमारा दे रखा है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो है 7 का वर्ग हमने 7 × 7 लिखा, 9 का वर्ग 9 × 9 लिख दिया, तो फिर भाग का निशान लगा के हमने ये ऐसे उतार दिया। अभी आप देख सकते हो हम इन दोनों को गुणा करेंगे क्योंकि डिवाइड हमने कर ली है, डिवाइड के बाद हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 × 7 कितना हो गया बच्चों, 7 × 7 39 और बटे में 9 × 9 81। भाग सब फिर से ऐसे लिख देना है, 7 × 7 39, 9/7/9 और ये भी 7/9 है, 9 × 9 से गुणा करेंगे 81 आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे 49 यानी कि 49/81। अब आपने एक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर किसी भी भिन्न के आगे भाग का साइन लगाओ फिर भिन्न दे रखी हो तो गुणा का साइन लगा के उन दोनों को उल्टा कर देते हैं। जैसा कि देख सकते हो यहाँ 49 के 49 के सामने 49 लिखा है, भाग का साइन है, अगर हमने भाग का साइन बदल के गुणा कर दिया तो ये ऊपर नीचे कर देंगे, 81 ऊपर आ गया 49 नीचे आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 81 से 81 कट जाएगा और 49 से 49 कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो देख सकते हो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है हमारा बोर्ड मास का, इसको याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आएंगे, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन अभी आपके सामने आ चुका है, आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि A=3 है, B=4 है, C=5 है तो 1/A + 2/B + 3/C क्या होगा। ये क्वेश्चन 2018 और 2007 की नवोदय परीक्षा में रिपीट हुआ है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ये समीकरण दे रखा है जिसमें ए बी सी दे रखा है और ए बी सी की ये वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो इस समीकरण को हमें ऐसे का ऐसे ही उतार लेना है और ए की जगह हमें 3 लिख देना है क्योंकि ए की जो वैल्यू वो 3 दे रखी है, बी की जगह 4 लिख देना है, सी की जगह 5 लिख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A=3, B=4, C=5। तो A/A, 2/B + 3/C = 1 की जगह हमने 3 लिख दिया, B की जगह हमने 4 लिख दिया, C की जगह हमने 5 लिख दिया। अब इन्हें प्लस करते हैं, आपको LCM लेना तो आता ही होगा, जब हम भिन्न को जब हम प्लस करते हैं तो सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का LCM हम ले लेंगे, 3, 4, 5। 2 को 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, तो 3 का 3 लिख दिया, 2 × 4
और दो दूनी चार यहाँ पे दे रखा है, दो दूनी चार यहाँ लिख दिया, दो पा दो का पाँच से पाँच गुणा कर देंगे तो पाँच का पाँच ही उतार देंगे, ठीक है, क्योंकि दो पाँच से नहीं करता कभी भी दो। फिर ऐसे करके इसको दो से ऐसे काट के आप देख ही सकते हो पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। तीन से ये कट जाएगा, ये तीन से नहीं कटेगा, तो पाँच का पाँच लिख दिया, पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, ठीक है, ये फाइनली सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हमें ये दे रखा है दो दो तीन पाँच, इन्हें हमें एक लाइन में लिख लेना है, दो गुणा तीन गुणा पाँच बराबर 60। इसका एलसीएम आ गया, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आ गया 60, ठीक है बच्चों। तो 60 इसका एलसीएम आ गया, हमें नीचे 60 लिख देना है। अब हमें ये देखना है तीन की टेबल में 60 कितनी बार आता है बच्चों, तो 20 से कट जाएगा, ठीक है, तीन की गुणा जब हम 20 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 20 लिख देंगे और गुणा कर देंगे हम ऊपर वाले से, ठीक है। फिर चार की टेबल में 60 कितनी बार आता है बच्चों, 15 बार, तो 15 की गुणा हम कर देंगे ऊपर वाले दो से। प्लस पाँच की टेबल में 60 कितनी बार आता है, पाँच की टेबल में 60 आता है 12 बार, तो 12 की गुणा कर देंगे ऊपर वाले तीन से। इन्हें प्लस करेंगे, 20 + 30 + 36/60, इसके बाद आ जाएगा 86/60। फिर इन्हें सॉल्व काटेंगे दो से, तो 43 यानी कि 43/30 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने दो ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करें जो कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा में हर बार आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे की वीडियोस में भी मिल जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को शेयर करें। अपने जितने भी दोस्त हैं आपके जो कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए।